अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और देखिए यार, यहाँ पे ना मेसन का काम किस तरीके से होता है, ये लोग मेसन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ये रियाद में है अवेलेबल बेसिकली, और ये कुछ काम कर रहे हैं थोड़ा सा ना प्लास्टर का। ये कोई गेट वगैरह यहाँ पे लगा होगा पहले से, और अब ये इसको ना क्लोज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वाटर वॉश बेसिन लगा हुआ है, बेसिकली किचन का कुछ काम है इनका यहाँ पे, और इसको रिनोवेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देख लें आप, और ये नेपाल से हैं बंदे जो कि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। बेसिकली ये किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं यहाँ पे, और अच्छा काम कर रहे हैं। देखें वॉश बेसिन के नीचे अच्छे से प्लास्टर कर रहे हैं, और आप देख लें इनका जो मसाला वगैरह बन रहा है। ये कुछ अभी ये कंटेनर सा रखा हुआ है, इसमें कुछ घोल के मसाला लेके आए हैं सीमेंट के साथ में, और इनका जो मसाला है इधर बन रहा है। ये देख लें आप, ये देख लें रेडी करके चले गए हैं। और बस बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि कितनी बेसिक सैलरी वगैरह इन लोगों की होती है जो मेसन का काम करते हैं। ये देख लें यहाँ पे, और क्या हाल चाल है भाई? किधर से? काठमांडू से हैं? काठमांडू से। हाँ बढ़िया। कितना साल हुआ अभी इधर आए हुए? इधर 2 साल हो गया है। और बढ़िया चल रहा है? बढ़िया, रोटी पानी मिल रहा है ठीक ठाक, बीवी बच्चे अच्छे से हैं? अच्छे से। चलो देखो यार, अच्छे से रहना चाहिए। और सैलरी वगैरह बेसिकली इन लोगों की ना यहाँ पे इट मीन्स के 2000 के आसपास जो है आ जाती है करीब करीब, अगर मैसन का काम करते हैं। बट ये फैक्ट्री के अंदर कुछ दूसरा वर्क करते हैं, लेकिन इनको आता है। अगर यहाँ पे प्रमोट होने लगे तो डेफिनेटली ये इसके अंदर जो है मैसन का काम करते हैं, तो हो जाता है ऐसा इनकी सैलरी। और एकोमोडेशन वगैरह कंपनी खुद ही प्रोवाइड कर देती है, कंपनी खुद देती है एकोमोडेशन, जो रहने का है सब कुछ कंपनी प्रोवाइड, सब कुछ कंपनी दे देती है। और जो फूड अलाउंस वगैरह होता है ना, वो कंपनी जो है इनका सैलरी के साथ में ऐड करके दे देती है। तो इस तरीके से यार, अगर मेसन का काम वगैरह करते हैं आप, तो ये जो दीवारें होती हैं ये इसमें ब्लॉक लगते हैं यहाँ पे। बेसिकली अभी तो प्लास्टर वगैरह हो रखा है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉक लगते हैं इनके अंदर, तो बहुत जल्दी से मकान तैयार हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और अपना अच्छे से जो है वर्क कर सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। और इधर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इन्हीं को ही करना है सारा का सारा। ये कुछ किचन का काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये साइड में कुछ बनाएंगे अभी, इसको तोड़ फोड़ के यहाँ से। देखो यहाँ पे किसी ने पेप्सी वगैरह पी है, और जितनी पी गए ठीक है, और बाकी ऐसे ही रखी है। तो खाने पीने का तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है भाई, खाना पीना ठीक रहता है बेसिकली। और ये इधर से भी उखाड़ेंगे इसको सामने से, और इसको भी यहाँ से उखाड़ेंगे इसको, अब बढ़िया से रिनोवेट करेंगे ये लोग। पूरा किचन का जो काम है इनका सही से करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि सैलरी आपकी आप लोगों की या इनकी जो है 2000 रियाल ही रहती है, अगर अच्छे से आप काम करते हैं तो ये 3000 रियाल तक भी जाती है, 3000-3500 रियाल तक भी जाती है, अगर आप बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं या घरों के अंदर करते हैं। और ये खुद का अपना भी आज़ाद वीज़े पर भी ये वर्क करते हैं लोग, और कंपनी फैक्ट्रीज़ जो है या कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में मिलके ये वर्क करते हैं। तो देखो बेसिकली ये लोग जो है ना, यहाँ पे काम चल रहा है ना रिनोवेशन का, तो इनके लिए जो कंपनी है वो खुद से खाना वगैरह दे देती है। ये खाना लेके आए हैं यहाँ पे, देखो ये खाना लेके आए हैं और इनको सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। समटाइम्स कंपनी खुद भी प्रोवाइड कर देती है, बट समटाइम्स क्या होता है आपको फूड अलाउंस दे देती है कंपनी। ये देख ले आप, चलिए अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा टेक केयर, बाय, अल्लाह।